नूरपुर के नवनियुक्त एएसपी सुरेंद्र शर्मा ने सोमवार को अपना कार्यभार संभाल लिया है। एडिशनल डीएसपी का कार्यभार देखने के बाद पदोन्नत हुए सुरेंद्र शर्मा को नूरपुर में ही बतौर एएसपी पहली पोस्टिंग मिली है। इस दौरान पत्रकारों से मुखातिब होते हुए सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि पिछले 8 माह से नूरपुर में एडिशनल डीएसपी के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि नई जिम्मेदारी के साथ कार्य क्षेत्र भी बढ़ा है। शर्मा ने कहा कि नूरपुर के साथ अन्य क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता होगी, साथ ही नशे के कारोबार करने वाले लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस के अवैध खनन, ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना और कम्युनिटी पुलिसिंग जैसे कार्यक्रम चलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाके होने के कारण नशे का कारोबार यहाँ अधिक है, लिहाजा पुलिस इसी कारोबार पर चोट करेगी और नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे पिछले 8 महीने से एडिशनल डीएसपी के पद पे पोस्टेड था, अब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पे प्रमोट हुआ हूँ। पोस्ट को अपग्रेड किया गया है सरकार के द्वारा, तो अब मैं यहाँ पे एज एडिशनल एसपी तैनात हूँ। हमने पहले से काम चला रखे हैं, जैसे ड्रग्स के खिलाफ हमारी मुहिम चली हुई है, माइनिंग के खिलाफ हमारी मुहिम है, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, ट्रैफिक की वायलेशंस है उनके अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं। हम लोग इस तरह से जो कम्युनिटी पुलिसिंग है उस पर फोकस कर रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को और स्ट्रेंथन किया जाएगा, क्योंकि अब जिम्मेदारी कुछ और बड़ी हो गई है, तो निसंदेह और अच्छे ढंग से, बेहतर तरीके से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जाएगा। सर, कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का भरसक प्रयास किया जाएगा। अभी तक भी पिछले 8 महीने के कार्यकाल में कोई मेजर इश्यूज नहीं हुए, और कुछ हुए हैं तो जो भी कुछ ब्लाइंड मर्डर्स ये वो हुए उनको हमने ट्रेस किया है, उनको सॉल्व किया हुआ है। कोई ऐसे सीरियस इश्यूज नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो है सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने का भरसक प्रयास करेंगे। बॉर्डर एरिया है और जो भी चैलेंजेस हैं उनको अच्छे से निपटने का हमारा प्रयास रहेगा। सर, बॉर्डर एरिया है और आपने देखा कि बॉर्डर एरिया में नशे का कारोबार जो है काफ़ी सक्रिय है, तो इसके लिए क्या करना चाहेंगे? नशा हमारे लिए सबसे मुख्य कंसर्न है। ये नशे के लिए बहुत पहले से ये नशे का गढ़ टाइप माना जाता है कुछ एरियाज हमारे इस सब डिवीज़न के। उसके लिए हम धरपकड़ अभियान हमेशा हमारा चला हुआ है, और हम लोग रूटीन में उनको पकड़ते जा रहे हैं, और हम कुछ बेहतर स्ट्रेटजीज अपना के उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।